प्रिय छात्रों, निर्णय एकेडमी के जीएसके साइंस के क्लास में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने चर्चा किया था बायोलॉजी पर, वैसे साइंस के सभी जो भाग हैं उनकी चर्चा किया था कि साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है और उनका अपनी परिभाषाएं क्या हैं, तो इन सब पर हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने बायोलॉजी प्रारंभ किया था और बायोलॉजी ने यह बताया था कि हम लोग प्रारंभ करेंगे बायोलॉजी में सबसे पहले साइटोलॉजी, क्योंकि साइटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, या इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अगर बात की जाए कोशिका विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल या कोशिका, कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था, यह कोशिका नॉन लिविंग सेल थी, यह बार्क से, पेड़ की छाल से प्राप्त किया गया था, यह डेड सेल था। लिविंग कोशिका की खोज यानी जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटनी वान, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो ये तो रहा कि कोशिका की खोज किसने किया, थोड़ा सा ये भी कभी कभी पूछा जाता है तो इसकी भी चर्चा कर लें कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है पीपीएलओ, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया, प्रियूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को कहा जाता है, इसी का एक नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। देखिए कई नामों से पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, कभी कभी पीपीएलओ दे देते हैं, कभी कभी इसका फुल फॉर्म दे देते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कभी कभी क्या देते हैं माइकोप्लाज्मा ही लिख देते हैं, या पूरा नाम इसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा जवाब हमें देना रहेगा। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका कि सेल कोशिका कौन छोटी है, कौन सी बड़ी है, इसके विषय में। अब हम सेल का एक डायग्राम बनाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे।
तो सेल की एक संरचना बनाएंगे कोशिका। कुछ और चीजें कोशिका के संदर्भ में सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम कोशिका की संरचना बनाते हैं। तो एक ये प्रश्न आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म है या शुक्राणु है। दूसरा ये आता है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक है, और पादप कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग वो राइबोसोम है। इसी तरह से जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, और सबसे छोटा कोशिकांग वह राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। ठीक, अब अगर हम देखें तो कोशिका की एक संरचना दिखती है, इसको
ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, एक कोशिका की संरचना है। इसको हम लेबल कर लेंगे तो देखिए ये सबसे बाहर की रचना है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमला, इसको बोलते हैं मिडिल लैमला। मिडिल लैमला या मिडिल लैमला को कहा जा रहा है मध्य भित्ति, मध्य भित्ति। ये मध्य भित्ति, ये मध्य भित्ति कोशिका का पार्ट नहीं होता, ये कोशिका का कोई भाग नहीं होता, बल्कि दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ये कोशिकाओं को आपस में जोड़ता नहीं है। अब देखें अगर तो ये मिडिल लैमला के नीचे है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, इसे आप कह सकते हो प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके नीचे आप देखें यह है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल यानी द्वितीयक कोशिका भित्ति, यह है द्वितीयक कोशिका भित्ति। इसके नीचे देखें यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या है प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक, यहां देखें यह है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहेंगे अंतः पर द्रव्य जालिका है। यहां देखें अंतःपरद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर ये दानेनुमा रचनाएं दिख रही हैं, ये राइबोसोम है, ये क्या है राइबोसोम है। ये गॉल्जी बॉडीज है, गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी काय। ये वैक्यूल या रिक्तिका है, ये सेंट्रोशोम है, सेंट्रोशोम या इसे कहेंगे तारक काय। ये लवक है, इंग्लिश में इसे प्लास्टिड कहेंगे, लवक या प्लास्टिड। तो ये पूरा शेल है और ये सेल का भाग है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक, तो एक कोशिका में ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों का सम्मिलित रूप है, हमने कॉमन सेल बनाया है। तो सबसे बाहर मिडिल लैमेला है, मध्यभित्ति है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टेट की बनी हुई है। उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है, ये प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे आप देखें सेकेंडरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन या पेक्टिन की बनी होती है।
इसके बाद देखें प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली ये जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में पाई जाती है। डॉटेड रचना दिख रही है चारों तरफ से। तो प्लाज्मा झिल्ली के विषय में जो जानने की बातें हैं, ये सबसे खास बात है, प्लाज्मा झिल्ली ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी है? प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन कॉन्जुगेट प्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन लाइपो मींस होता है, लाइपो कहीं भी लगेगा बायोलॉजी में, लाइपो का अर्थ होता है फैट और प्रोटीन मींस प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन से बनी है, क्या बनी है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसका जो मोजैक मॉडल है, प्लाज्मा झिल्ली का मोजैक मॉडल, वो मोजैक मॉडल ये बताता है कि प्लाज्मा झिल्ली किस तरह से बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली का मोजैक मॉडल है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का मोजैक मॉडल है। ये जो है लाइपो यानी बसा है, फैट है, ये 45 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इसके दोनों तरफ आपको एक कैफ है प्रोटीन की, प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन ये 15 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, 15 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ठीक, तो आपने देखा ये प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 45 एंगस्ट्रॉम इसका जो फैट का लेयर है और 15 एंगस्ट्रॉम ये प्रोटीन का जो लेयर है, दोनों ऊपर इसके मिलेगा। इसके बाद देखें अब प्लाज्मा झिल्ली कार्य क्या करती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली जो कार्य करती है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, इसके पहले कि हम ये समझें कि प्लाज्मा झिल्ली कार्य क्या करती है, दो प्रक्रियाएं हैं, एक है परासरण और एक विसरण। तो परासरण और विसरण को समझने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, बीच में प्लाज्मा झिल्ली है और एक साइड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, विलयन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है या विलयन है। ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको अगर हम सरल करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कहेंगे सांद्र विलयन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम बोलेंगे तनु विलयन, तनु विलयन। अगर इसको हम और सरल करें तो हम कह सकते हैं ये गाढ़ा है और ये पतला विलयन। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के दोनों तरफ
एक तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांड विलयन या गाढ़ा विलयन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन या पतला विलयन कहते हैं। अब देखें कि अगर जो द्रव का बहाव है वो पतले से गाढ़े की ओर हो, पतले से गाढ़े की ओर हो, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस यानी पराशरण। तो पराशरण की क्रिया किधर से होती है? पराशरण की क्रिया पतले से गाढ़े की ओर होती है। जैसे आप किशमिश को जल में डाल दें तो जल पतला है और किशमिश के भीतर का पदार्थ गाढ़ा है। जल किधर जाता है? जल किशमिश के भीतर जाता है, अर्थात ये बहाव जो है वो पतले से गाढ़े की ओर हो रहा है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया जो है ऑस्मोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है, यानी परासरण कहलाती है। अच्छा, ये द्रवों में पाई जाती है। गैसों में देखिए, गैसों में विसरण होता है। अगर यहां सेंट की सीसी खोली जाए तो बाहर सेंट का कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रण कम है, यहां पर ज्यादा है, तो यहां से बाहर की ओर बहाव होगा। तो गैसों में क्या होता है? विसरण होता है। विसरण हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। विसरण क्या होता है? विसरण या डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। मैं चर्चा कर रहा था प्लाज्मा झिल्ली की। तो प्लाज्मा झिल्ली परासरण, विसरण, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस होता है भक्षण। जब कोशिका ये प्लाज्मा झिल्ली स्वयं किसी पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर लेती है, पाइनोसाइटोसिस, जब किसी लिक्विड को अपने अंदर समाहित करती है, तो कोशिका के भीतर पदार्थों का आवागमन परासरण, विसरण, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आदि क्रियाओं के द्वारा होता है। और ये सभी क्रियाएं कैसे होती हैं? किसके द्वारा? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी है। ये पूरी संरचना मैंने बताया, इसका मोज़ेक मॉडल जो है वो भी आपने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी है। ठीक, तो ये तो था प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली पर प्रश्न कैसे बनते हैं? पहली बात, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली कितनी मोटी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती, कुछ को बाहर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती कोशिका के। तो ऐसे कंडीशन में यह कार्य द्वारपाल करता है या गेटकीपर करता है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल या गेटकीपर कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका का द्वारपाल या गेटकीपर कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली चूंकि कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्थ पारगम झिल्ली कहते हैं। ये कुछ पदार्थों को चुनकर आने देती है, कुछ को चुनकर नहीं आने देती, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और दूसरी बात है, जीवधारियों की प्रत्येक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली मिलती है, तो इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली भी कहा जाता है। ये तो आपका रहा पूरा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो कोशिका जो होती है, कोशिका के मूल रूप से दो भाग होते हैं, एक तो उसका सेल वॉल है और प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा जीव द्रव्य है। दूसरा क्या भाग है? जीव द्रव्य। तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका के भीतर पाया जाने वाला सारा पदार्थ, कोशिका के भीतर पाया जाने वाला सारा पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो हम चर्चा करेंगे जीव द्रव्य के विषय।
या प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका के भीतर पाया जाने वाला सारा पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य की खोज 1840 ईस्वी में परकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज 1840 ईस्वी में परकिंजे ने किया था, लेकिन इसका जो नामकरण है 1846 ईस्वी में H.B. मोहल ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो जीव द्रव्य की खोज किसने किया? परकिंजे ने किया, लेकिन इसका नामकरण जीव द्रव्य 1846 ईस्वी में H.B. मोहल ने किया। ठीक, जीव द्रव्य जो देखा जाए तो जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 60-70% जल पाया जाता है। शेष पदार्थ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो साल तथा जल अवस्था में यानी कोलाइडी बिलेन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जीव द्रव्य में लगभग 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसमें 4 ही प्रमुख होते हैं। तो जीव द्रव्य में जीव द्रव्य एक कोलाइडी बिलेन है। क्या है? कोलाइडी बिलेन है। जीव द्रव्य में जो पदार्थ है कोलाइडी बिलेन में वो साल और जेल अवस्था में होते हैं। साल और जेल अवस्था में, और साल जेल अवस्था में एक गति होती है जिसे आप जानते हैं ब्राउनियन गति। ठीक है, तो साल जेल इसको आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया भी जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें 30 प्रकार के तत्व हैं, लेकिन विशेष रूप से 4 तत्व ही मुख्य होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है वो 62% होता है। जीव द्रव्य में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जीव द्रव्य में ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन जीव द्रव्य में 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 8% होता है। तो 8% यानी 8% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और 10% हाइड्रोजन होता है, 20% कार्बन होता है, और 62% इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ये तो जीव द्रव्य की जो संरचना रही उसकी विषय में चर्चा किया गया। अब अगर हम बात करें जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म, साइटो शब्द कहीं भी लगेगा तो उसका अर्थ होगा कोशिका, प्लाज्म मींस द्रव्य, तो साइटोप्लाज्म का अर्थ हुआ कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म का अर्थ हुआ कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जीव द्रव्य के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा झिल्ली तथा ये केंद्रक भित्ति है। प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक भित्ति के भीतर का सारा पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक भित्ति के भीतर का सारा पदार्थ केवल और केवल टोनोप्लास्ट को छोड़कर। ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक भित्ति के भीतर का सारा पदार्थ केवल टोनोप्लास्ट को छोड़कर वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी साइटोप्लाज्म में सारे कोशिकांग हैं। आप देखें ये लवक है, ये वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकांड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है। इसी में आप देखें तो छोटी सी एक रचना लाइसोसोम भी होती है, लाइसोसोम। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। ठीक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक, तो जीव द्रव्य के दो भाग हुए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक भित्ति के मध्य का सारा पदार्थ केवल
टोनोप्लास्ट को छोड़कर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसी कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग, चाहे माइटोकांड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गाल्जी बॉडी हो, सब इसी में स्थित होते हैं। दूसरा भाग है केंद्रक। ठीक, ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, अलग से इसका चित्र बना करके उसको देखा भी जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें साइटोप्लाज्म की। जब बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में ही सारे कोशिकांग मिल रहे हैं, तो एक एक कोशिकांग को हम लेकर के देखेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम माइटोकांड्रिया। क्या देखेंगे? माइटोकांड्रिया। ठीक, तो माइटोकांड्रिया ये है। आप देखिए माइटोकांड्रिया, इतना तो आपको पता है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी में ही ग्लूकोज को जला करके एटीपी या ऊर्जा का निर्माण होता है। और प्रत्येक कोशिका को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए या प्रत्येक जीवधारी की सभी गतिविधियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा ग्लूकोज के जारण से प्राप्त होती है, ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है, ग्लूकोज को जलाने से प्राप्त होती है, और ग्लूकोज को जलाने की क्रिया माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकांड्रिया में यह क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र। इसको हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको देखेंगे। फिलहाल माइटोकांड्रिया एक दो झिल्ली की बनी रचना है, जिसकी भीतरी झिल्ली में उंगली नुमा इस तरह से उभार पाए जाते हैं। और अब देखा जाए, अगर माइटोकांड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है, इसमें जो ये उभार हैं, इस पे ऐसे ऐसे रचनाएं पाई जाती हैं, तो ये जो माइटोकांड्रिया का, ये तो क्रिस्टी है। क्या है? क्रिस्टी। और जो ये उभार हैं, इस उभार को कहते हैं ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं, RF1 कण। ठीक, अब देखा जाए तो जो ग्लूकोज के जारण की क्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? वो संपन्न होती है माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी में संपन्न होती है। ठीक है, और ये जो माइटोकांड्रिया के क्रिस्टी में आपको टेनिस के रैकेट की आकार की रचना दिख रही है, इस रचना को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम या F1 कण, ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न आता है, ये सिविल में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है कि ये ऑक्सीसोम क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भाग लेता है। कौन? F1 या ऑक्सीसोम। ठीक, अच्छा, अब देखिए, ये सरल स्तर पर तो ये हो गया, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माइटोकांड्रिया क्या करता है, ये ग्लूकोज को जलाता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो मैंने बताया कि ऊपर स्तर पर एक प्रश्न जैसे आया कि ऑक्सीसोम क्या करता है, ये कहां पाया जाता है? ऑक्सीसोम माइटोकांड्रिया की क्रिस्टी में पाया जाता है। ये क्या करता है? यह जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भाग लेता है, इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में भाग लेता है। तो एक तो पहला यह सिविल में पूछा गया प्रश्न। दूसरा चीज, सिविल में जो एक प्रश्न पूछा गया है, इसकी चर्चा आपको यही से टेक्नोलॉजी से, मैंने आपको बताया था साइटोलॉजी यह एक रीढ़ है, जिससे आपको आगे के सारा बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, यह सारा का सारा इसी पर निर्भर होता है। तो दूसरा प्रश्न ये आया कि जो आप देखें ये केंद्रक है, तो केंद्रक के भीतर डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक के बाहर डीएनए या आरएनए कुछ मात्रा में कहां पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को क्या कहते हैं? माइटोकांड्रियल डीएनए कहते हैं। अब देखें, अगर माइटोकांड्रियल डीएनए, तो कुछ महिलाओं में माइटोकांड्रियल डीएनए में डिफेक्ट होने के कारण ये
ये उनके बच्चों में विकृत आ जाती है, तो ऐसे में एक महिला का जो एक महिला है उसका अंडे में जो माइटोकांड्रिया है उसमें ये न्यूक्लियस है और ये उसका अंडा है, तो अंडे माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में क्या है, डिफेक्ट है, माइटोकांड्रिया में डिफेक्ट है। अब माइटोकांड्रिया में डिफेक्ट है, इसमें जो न्यूक्लियस में केंद्रक है ये 23 गुणसूत्र है, ये तो ठीक है, लेकिन 23 गुणसूत्र है ये ठीक है, लेकिन कुछ गुणसूत्र जो माइटोकांड्रिया में है इसमें डिफेक्ट है, और एक ओबम है, अंडा है किसी महिला का। तो क्या करते हैं कि किसी स्वस्थ महिला का ये केंद्रक है, ये उसका माइटोकांड्रिया, उसका माइटोकांड्रिया इसके माइटोकांड्रिया से रिप्लेस कर देते हैं, और तब इसको किसी पुरुष के शुक्राणु से इसको निषेचित करवाया जा रहा है, तो ये शुक्राणु से निषेचित करवाया जाता है। तो इसमें भी देखिए गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 23 है, ठीक है, 23 गुणसूत्र। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बच्चे में तीन अभिभावकों का गुण आ जाता है, ठीक है, एक तो वो रोगी महिला का केंद्र का गुण डीएनए है, और एक स्वस्थ महिला के अंडे के माइटोकांड्रियल डीएनए को इसमें ट्रांसफर किया गया है, और तीसरा उस पुरुष या उसके पति के शुक्राणु। तो तीन पेरेंट्स का इसमें जीन्स आ गया, डीएनए आ गया, इसे जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं थ्री पेरेंटल बेबी। ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, थ्री पेरेंटल बेबी। तो ये प्रश्न शिव के लिए हो गया कि थ्री पेरेंटल बेबी क्या है, या इसी को डिजाइनर बेबी भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा किया, आज हमने आपको कोशिका भित्ति के विषय में बताया, प्लाज्मा झिल्ली के विषय में बताया, माइटोकांड्रिया के विषय में बताया, आगे हम जो अन्य कोशिकांग हैं उनकी चर्चा करेंगे, और क्रमशः साइटोलॉजी से बढ़ते हुए हिस्टोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस तरह से पूरे जो जूलॉजी में जो सारे सिस्टम है, टैक्सोनॉमी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, इन सबको समेटने का प्रयास किया जाएगा, क्रमशः चलेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और मेरे साथ अगर यात्रा करते रहेंगे, मैं आपको एक वादा करता हूँ कि आपका विज्ञान बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।